स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क नोटिफिकेशन रिलेटेड। देखिए दोस्तों, इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बनाया है और मैं एक बात इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप डेली देखेंगे वीडियोस नोटिफिकेशन रिलेटेड आ रहे हैं। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, तो सोचा आज आपको फिर से बता दूँ। देखिए दोस्तों, अभी समय फर्स्ट वीक चल रहा है, अभी वीडियोस लोग क्यों बना रहे हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। और जैसे आपने देखा होगा प्रीवियसली जो SBI PO का नोटिफिकेशन आया है, जैसे मैंने बताया था वही हिसाब से आया है, या जैसे कुछ लोग बताते हैं उसी हिसाब से आया है। क्या होता है कि फेस्टिवल टाइम, एंड ऑफ द मंथ, तो ये सब जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग अभी चल रहा है नवम्बर का, तो बहुत क्रूशियल है ये स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। और ये स्टार्टिंग 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये 1 तारीख से लेके आपका 15 तारीख तक। हो सकता है कि नोटिफिकेशन ये इसके बीच में आपको आ जाए, मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक चल रहा है, फर्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आते हैं। दूसरा बात कि दीपावली का समय है, तो दीपावली का गिफ्ट भी आपको SBI दे सकती है SBI क्लर्क नोटिफिकेशन से। तो देखिए दोस्तों, ये सब एक पॉइंट है जिसमें आने के चांसेस हैं। तो होपफुली मैं प्रे करूँगा कि नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों का टेंशन है कि एज एस ऑन क्या रहेगा। अब देखिए, एज एस ऑन क्या रहेगा एग्जैक्टली अगर बताऊँ तो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे नोटिफिकेशन आया है ठीक उसी मंथ का एज एस ऑन रहा है। मान लो नोटिफिकेशन नवंबर में आती है, तो 1 नवंबर का आपका एज एस ऑन मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अक्टूबर के हिसाब से आपका एज एस ऑन दिया है, सितंबर के हिसाब से भी 1-2 महीना पहले का भी दिया है। तो ये टोटली कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन SBI PO का अगर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल एज एस ऑन हर बार देखने को मिलता है, लेकिन SBI क्लर्क में नहीं होता है। एज एस ऑन 1 जनवरी भी हुआ है, आप जाकर देख सकते प्रीवियसली। एज एस ऑन 1 अप्रैल भी हुआ है, एज एस ऑन 1 अगस्त हुआ है, 1 सेप्टेम्बर हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई बहन। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आप बस प्रैक्टिस पे फोकस करें, ज़्यादा आप हेडेक ना लें। जो भी आपके पास अटेम्प्ट बचे हैं और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपेयर करें और मोटिवेटेड रहें, टेंशन ना लें मेरे भाई बहन। होपफुली कि नोटिफिकेशन आ जाए, बस यही मैं दुआ करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट।